नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राजगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में शुक्रवार को सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि आपको आने वाली नई 5 साल की सरकार के लिए मतदान करना है जो देश की दिशा और दशा को तय करेगा। ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। आपने जो सांसद चुन रखा है, यदि हम उसकी तुलना दिग्विजय सिंह से करें तो पता चलेगा कि संसद में आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा। पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने 10 साल में सिर्फ भाषण दिए, फोटो छपवाए, छापे डाले और नेताओं को जेल में डाला। इनको कोई ध्यान चिंता नहीं। गरीब, किसान, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई की। पायलट ने कहा कि जब भाजपा बैकफुट पर होती है तो ये बात करते हैं हिंदू की, मुस्लिम की, मंदिर की, मस्जिद की, जाति की, लेकिन 2024 का चुनाव बदलाव का चुनाव है। मैं कनाडा से जम्मू तक घूमा हूँ, सभी जगह बदलाव है और यहाँ दिग्विजय सिंह चुनाव जीत रहे हैं। इससे पूर्व सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी दिग्विजय ने अपने राजनीतिक जीवन का हवाला देते हुए कहा कि मुझे शुरुआत से लेकर आज तक जो कुछ मिला वो आप लोगों की बदौलत मिला, इसका मुझे गर्व है। मैं जब मुख्यमंत्री था तब मेरे दरवाजे राजगढ़ जिले व संसदीय क्षेत्र के लोगों एवं मतदाताओं के लिए हमेशा खुले रहे और इस क्षेत्र लिए मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने किया। अब आपके सामने विकल्प है, 10 साल रोडमल नागर का उनका लेखा जोखा भी आपने देखा। ये 2024 का चुनाव में राजगढ़ संसदीय क्षेत्र विकास के लिए आप मेरे हजारों मतदाताओं कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ रहा हूँ। इससे पूर्व शायराने अंदाज में कांग्रेस के कुणाल चौधरी, पूर्व सांसद नारायण सिंह आमलांबे, पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह खिलचीपुर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद्र पुरोहित, यशवंत सिंह गुज्जर आदि ने भी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के कार्यकाल की कथनी करने एवं दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान किए गए संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों को गिनाकर बताकर दिग्विजय सिंह के पक्ष में आने वाली 7 तारीख को मतदान कर जिताने की अपील की गई। इस मौके पर क्षेत्र भर के कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता एवं हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। हमारे बीच में माननीय सचिन पायलट जी बता चुके हैं, साथ में हमारे युवा दिल्ली में है। उस सरकार ने जिन बातों को बोलकर सत्ता हासिल करी थी, महंगाई की, किसानी की, बेरोजगारी की, काले धन की, भ्रष्टाचार की, उन सब बातों को भूलकर अब एक ऐसा माहौल बना दिया जहां निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं। दो निर्वाचित मुख्यमंत्री, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन देश में ऐसा माहौल बना दिया कि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते आपने सीज कर दिए, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव हो रहा था, आप सबने देखा होगा, निर्वाचन अधिकारी खुद बैठ के वोटों को खराब कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को लगातार चुनौती मिल रही है, देश ने भय का माहौल बना रखा है, प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। सरकार की पूरी ताकत लगी हुई है विपक्ष के नेताओं की आवाज को खत्म करने के लिए। 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया और फिर कानून पारित किए जा रहे हैं। आपने कहा किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आपने कहा कालाधन विदेश से लेकर आएंगे, आपने कहा घुसपैठियों को बाहर भगा देंगे। मैं चुनौती देता हूं केंद्र सरकार को, इन 10 सालों में आपने किस मोर्चे पर काम किया? आपने भाषण दिए, टेलीविजन ने विज्ञापन दिए, अखबार में फोटो छपवाई, लचीले लचीले बातें बोलकर लोगों का मन जीतने की कोशिश करी, लेकिन धरातल पर आप हर मोर्चे पर नाकामयाब रहे हो। और मुझे खुशी है कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें हमने वादा किया है इस देश में जो सबसे गरीब परिवार है, प्रत्येक परिवार की जो प्रमुख महिला होगी उसके खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देंगे इस महंगाई से मुकाबला करने के लिए। ये छोटी बात नहीं है, प्रति माह 84 में सांसद सदस्य बना, फिर 91 में एक बार फिर बना, फिर मुख्यमंत्री और 2003 तक मुख्यमंत्री रहा। राजगढ़ जिले के लिए जो मैं कर सकता था, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया, और मेरे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए राजगढ़ जिले के और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के मतदाता भाई और बहनों के लिए खुले थे। चाहे मैं सांसद रहा नहीं रहा, लेकिन सदैव आपकी मेरे दरवाजे आपके लिए खुले थे। अब आपके सामने विकल्प है, रोडमल नागर जी 2 बार के सांसद है, मेरा कोई ज्यादा आपसे परिचय नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने कुछ उनका लेखा जोखा आपको बताया है।
मैं इतना ही आपसे कह सकता हूँ कि ये चुनाव मैंने आप लोगों के भरोसे लड़ा है, मेरे कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ा है, मतदाताओं के जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनके प्रतिनिधियों के आधार पर लड़ा है। ये मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे हजारों कार्यकर्ता। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।